तो आज हम लेकर आए हैं कटहल की सब्ज़ी की रेसिपी। और ये तरी वाली सब्ज़ी है और ये इतनी टेस्टी बनती है कि क्या मैं बताऊँ। मैंने आज से पहले इतना टेस्टी कटहल नहीं खाया है। तो वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं किचन में। नमस्कार, मैं हूं सविता। स्वागत है आप सभी का हमारे किचन में। तो यहाँ पे मैंने लिया है 500 ग्राम कटहल और ये छीलने और साफ़ करने के बाद में बचा होगा 400 ग्राम। तो इसे अब हम एक कुकर में रख देंगे, प्रेशर कुक कर लेंगे। एक सीटी पकानी है हमें, बहुत ज़्यादा गलने नहीं पाए। और इसमें डालेंगे एक गिलास पानी यानी 250 ml। और ज़्यादा पानी नहीं डालना। दो तेज पत्ते डालेंगे, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 3/4 लौंग। और बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इन सारे मसालों के साथ। इसे बॉईल करेंगे तो आधा चम्मच हल्दी डालेंगे और एक छोटा चम्मच नमक। अब इन सारी चीज़ों को एक साथ मिला देंगे ताकि अच्छे से कटहल पानी के अंदर हो जाए। और पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि और इस पानी को हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। और तब तक हम इस तरह से प्याज काट लेंगे। प्याज को बहुत बारीक नहीं काटना ना पीसना है, इस तरह से हम रफली काट लेंगे, लच्छे की तरह से, जैसे पकौड़ी बनाते हैं उस तरह से काट लेंगे। और यहाँ 1 इंच अदरक लिया, 2-3 हरी मिर्च लिया, इन्हें भी हमने रफली काट लिया है। और 8-10 लहसुन है और एक छोटी प्याज लेंगे। तो इन सारी सामग्री का हमें पेस्ट बनाना है। तो ये हम डालेंगे मिक्सी के जार में और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे, 1 कप, और इसे पीस लेंगे। और इधर हमारा कुकर भी, कटहल भी बॉयल हो गया है तो इसे ठंडा होने देते हैं। और हमारा हमने इसको पीस लिया है, पेस्ट भी तैयार है। तो थोड़े से मसाले हम दरदरे कूटेंगे। एक बड़ी इलायची लेंगे, 3 लौंग लेंगे, एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा लगभग 1/2 इंच, एक छोटी इलायची, इसे हरी इलायची भी बोलते हैं लोग। और इसके बाद हम थोड़ी सी जावित्री, 8-10 काली मिर्च और थोड़ा सा 1/4 चम्मच शाहजीरा डालेंगे। ये बहुत ही प्योर होते हैं इसलिए बहुत थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना है। इन्हें ऐसे दरदरा कूट लेना है, बस इससे ज़्यादा नहीं, इसे बारीक करना। और ये मसाला बहुत अच्छा फ्लेवर देगा, इसे ज़रूर डालिए। तो इसे हम साइड में रखते हैं और तब तक हमारा कुकर ठंडा हो गया होगा तो इसे खोल लेते हैं। और बहुत ही सॉफ्ट वाला कटहल था हमारा, बीज भी अभी नहीं था, बहुत अच्छे से ये पक गया है। थोड़ा सा टाइट है, लगभग 80% पक चुका है। तो इसे अब हम पलट लेते हैं और इसके बाद हम इसे पानी से अलग करेंगे। तो इसे अलग कर लेंगे छानकर इस तरह से, पानी से हटा लेना है। और ये बचे हुए पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इसका इस्तेमाल हम आगे बताएंगे। तो यहाँ पे हमने लिया है 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल और तेल गरम हो गया है, ये देखिए। यहाँ पे हम कटहल जो हमने बॉईल किया था उसी को हमें फिर से फ्राई करना है। तो यह हम अच्छे से फ्राई करेंगे, तेज आंच में फ्राई करना है ताकि ओवर कुक ना हो, ऊपर से अच्छे से सुनहरा हो जाए, थोड़ा गोल्डन कलर आने लगे। इस तरह से कटहल फ्राई करने के बाद ना वैसे ही खाने का मन करता है, बहुत टेस्टी लगता है। यहाँ मैंने लिया है 3 चम्मच दही और ये मैंने डाला लाल मिर्च 1/2 चम्मच, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे
और ये बड़ा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। इन सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये कश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाला आधा चम्मच, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और इधर हमारा देखिए कटहल भी अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब इस कटहल को हमें निकाल लेना है अलग बर्तन में। और कटहल में थोड़ा तेल ज़्यादा ही लगता है बाकी सब्जियों से, तो ये बचे हुए तेल में हम थोड़ा तड़का देंगे। तो आधा चम्मच मैंने मेथी डाला, आधा चम्मच जीरा डालेंगे और इसके बाद ये प्याज डाल देंगे हम। अब प्याज को अच्छे से पकाना है हमें इसमें, और बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है इसे। और ये बहुत ही अच्छा स्वाद देगी इसमें। तो देखिए अब मैंने आधा चम्मच इसमें आधा छोटा चम्मच हींग डाला और ये कूटे हुए मसाले जो मैंने गरम मसाले साबुत इसमें कूट के रखे थे उन्हें भी डाल देंगे हम। इन्हें बाद में इसलिए डालते हैं ताकि ये जले नहीं, और प्याज के साथ थोड़ा तेल का टेम्परेचर बैलेंस रहता है। अब ये मैंने जो पेस्ट बनाया था अदरक लहसुन हरी मिर्च और प्याज का, उसको डाल देंगे हम। इसे डालने के बाद थोड़ी देर हम पकाएंगे ताकि लहसुन का कच्चापन ना रहे। और इसके बाद जो ये दही वाला मसाला मैंने बनाया था उसको डाल देंगे। और इसे तब तक पकाना है इस तरह से चलाते हुए जब तक कि मसाला पूरा तेल न छोड़ दे। तो अच्छे से पकाना है इसे, और थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक बहुत अंदाज से डालें क्योंकि कटहल को बॉईल होते समय भी हमने नमक डाला था। और इस तरह से हमें खूब चलाते हुए पकाना है। तो यहाँ पे ये देखिए एकदम मसाला जो है तेल से अलग हो गया है। तो अब हमारा मसाला रेडी हो गया है, पक गया है। अब ये हम फ्राई किए हुए कटहल इसमें डालेंगे। और इसको मिक्स करके इसे भी हमें थोड़ी देर पकाना है, लगभग 3 से 4 मिनट इसे हम मसाले के साथ अच्छे से भूनेंगे ताकि इसके अंदर मसालों का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। और धीमी आंच करके थोड़ी देर ढक देंगे। लगभग 2 से 3 मिनट तक इसे ढककर पकाएंगे। और ये देखिए बहुत अच्छे से हमारा मसाला और कटहल एकदम से मिक्स हो गया है और रेडी हो गया है। तो इस स्टेज पे हम थोड़ा सा कसूरी मेथी डालेंगे, ऐसे क्रश करके डाल देंगे और इसके साथ बहुत अच्छा फ्लेवर देगी ये। और ये जो हमने बॉयल किया था पानी इसको डाल देंगे हम। तो यहाँ पे मैं पत्तों के साथ ही डाल दूँगी, जो खड़े मसाले थे वो भी डाल दूँगी। आप चाहो तो इसे निकाल सकते हो। तो ये बहुत अच्छा टेस्ट देगा और पानी कम लगेगा। तो मैं थोड़ा सा पानी और डालूँगी। आप जितना रसेदार जैसे पतला और सूखा खाते हो उस हिसाब से कर लीजिएगा। और इसे पकने देना है। यहाँ पे देखिए हमारी सब्जी एकदम से पक गई है और मसाला कटहल सारी चीज़ें एकदम से एक दूसरे से मिक्स हो गए हैं। तो एक बार चेक कर लेंगे। कटहल वैसे भी पहले से भी पका था, तो काफ़ी अच्छे से ये और पक गया है। और बहुत अच्छे से ये रेडी हो गया है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना तो बनता है। अब हम सब्जी में आधा चम्मच सिर्फ गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला बहुत नहीं डालना क्योंकि हमने पहले से भी इसमें खड़े मसाले डाले थे गरम मसाले। तो इस
सब्जी को बनाइए। आप इसे रोटी, राइस या पराठा, पूड़ी किसी के भी साथ खा सकते हैं और है ना एकदम आसान। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।